नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। रतलाम में कुत्ते के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज शहर में कुत्तों के शिकार होने से बड़े व बच्चे जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। सड़कों पर आलम यह है कि क्या दिन और क्या रात कुत्तों का झुंड सड़कों पर घूमता रहता है। इन झुंड में कुत्तों की संख्या 25 से 50 तक होती है। इन झुंड के चुंगल में रात को अकेला कोई फंस जाए तो निकलना मुश्किल है। आए दिन कभी बच्चे तो कभी बड़े कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की कुत्ते के काटने के बाद इलाज के दौरान मौत भी हो गई। वहीं कुछ सीसीटीवी में भी सामने आए हैं जिसमें कुत्तों के हमले के भयानक दृश्य हैं। इन डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अब शहर में घूमते आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का काम शुरू करने की बात कही है। इसके लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है। इसके अलावा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अब शहर में कुत्ता पालने वालों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके लाइसेंस का शुल्क 1,000 रुपये प्रतिवर्ष के लिए तय किया गया है। वहीं एक व्यक्ति सिर्फ 2 डॉग ही पाल सकता है। इसके कारण शहर में पालतू कुत्तों की संख्या की जानकारी भी रहेगी और सड़क के कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू करवा दिया गया है। संवाददाता कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। भैया, पहले तो बहुत समस्या हुआ करती थी और उसके बाद नाइट में जो कुत्तों को देखा जाता था, पर अब वो दिन में भी दिखते हैं और आम नागरिक का या हमारा भी अब रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुत्ते इतने फ्री हो चुके हैं कि वो कभी भी किसी को भी पकड़ लेते हैं। झुंड बड़े बड़े, बस अब एक झुंड में कम से कम 20 से 25 लोग तो होते ही होते हैं। उसके बाद 2 झुंड आकर आपस में मिलते हैं तो 5-50 इकट्ठे होकर के और रात भर दिन भर वो धमाल करना और लपकना और एक के पीछे एक दौड़ करके, और मतलब कई लेडीज़ों को गिरा भी चुके हैं वो लोग। कई बार देखा गया है कि कई लेडीज़ों को गिरा भी चुके हैं वो छोटे डॉग की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कुछ शहर में एक मौत भी हो चुकी है। किस तरीके से अब जो है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल कर? देखिए, रतलाम में डॉग बाइट के केसेज सामने काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए 2 तरह की कार्रवाई हो रही है। एक तो नगर निगम ने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके स्टलाइजेशन के लिए एक एजेंसी तय की है जो नियमानुसार उनको स्टलाइज करके फिर वापस छोड़ेगी। उससे थोड़े डॉग बाइट के केसेज में कमी आएगी। दूसरा, जैसा कि एक्ट में प्रावधान है, हमने निर्धारित किया है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति शहर का डॉग नहीं पालेगा। जो लोग डॉग पाल रहे हैं उसका वो लाइसेंस ले लें और उसका एक निर्धारित शुल्क लगेगा और फिर उसको रिन्यूअल भी हर साल कराना होगा। निर्धारित शुल्क अभी 1,000 रुपये तय किया गया है, वन टाइम है ये। और उसके बाद और अधिकतम संख्या निर्धारित है कि एक व्यक्ति एक घर में 2 डॉग रख सकते हैं। इससे एक शहर में सारे डॉग्स का एक रेगुलेशन भी हो जाएगा और फिर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में स्टलाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। तो मुझे लगता है इन 2 चीज़ों से डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी और पूरे विश्व